नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। छावनी परिषद महू स्वच्छ भारत अभियान 2024 के तहत एक नई प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक नया कार्य प्रारंभ किया, जिसका नाम दिया गया है नॉक द डोर। अभियान की शुरुआत शहर के अग्रसेन महाराज प्रतिमा से केंट बोर्ड सीईओ विकास कुमार, केंट बोर्ड नामांकित सदस्य शिव शर्मा, स्वच्छता अधीक्षक मनीष अग्रवाल, केंट बोर्ड इंजीनियर HS कोलिया अधीक्षक की मौजूदगी में की गयी। नॉक द डोर अभियान की टीम शहर के सभी 8 वार्डों में घर घर जाकर अभियान के तहत पूछेगी कि आप गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन है कि नहीं, आप कचरा घर पर आने वाली कचरा गाड़ी में डालते हैं या नहीं, अगर आप कचरा बाहर डालते हैं तो आप अपने डस्टबिन में कचरा इकट्ठा कर रखिए और जब कचरा गाड़ी दोनों समय आए तब उसमें डालिए, अगर आप कचरा रोड पर या बाहर फेंकते हैं तो केंट बोर्ड आप पर चलानी कार्यवाही भी करेगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और काफी सफाई मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए। देखने कचरा इनको एजुकेट करना चाहिए, जहाँ इस तरह का माहौल है वहाँ पे जाके उनको एजुकेट करना चाहिए कि इसमें उन्हीं की भलाई है। अमित गुप्ता भी हम इसी को बनाए रखें, एक नॉक डोर अभियान हमने शुरू किया जिसमें हर घर हमारी टीम जाएगी और गीले सूखे कचरे को अलग करने और उसको गाड़ी में ही कचरा जो हमारी लेने के लिए गाड़ी आती है उसी में ही देना है। बेसिकली स्वच्छता के लिए और कचरा जो पृथक्करण के लिए और प्रॉपर जगह डिस्पोजल के लिए जागरूक करना है। शहर के लोगों को जागरूक बताया था, गाड़ी आती है कचरा आती है, आईसाइड के लिए लोगों कचरा फाइन का सिस्टम भी शुरू करेंगे, जब नहीं मानेंगे तो फाइन तो करना दूसरा स्टेज है, पहला ये है कि गाड़ी जरूर जा रही है लेकिन लोग के गाड़ी में भी डालते हैं और बाद का जो कचरा होता है रास्ते में कुछ सड़क पे या कहीं किसी न किसी संग्रहण पॉइंट पे डाल देते हैं, एक एक आदमी जागरूक आ जाएगा तो वही आदमी रास्ते में है